विश्वनाथ मजुमदार एक बुक पब्लिशर। कोलकाता में उनका एक बड़ा लाइब्रेरी है। बहुत जिम्मेदार एक पति, एक बाप, एक जिम्मेदार बिजनेसमैन है। वेरी इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर पर्सन। विश्वनाथ जी की एक फॉरेन फ्रेंड है पीटर। वो अपना एडवेंचरस वीडियो सब समय विश्वनाथ जी को शेयर करते रहते हैं। ये भी लाइफ का एक बेहतरीन पल है। उनकी फॉरेन फ्रेंड हमेशा ही उन्हें आमंत्रित करते रहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ पे आते हो तो। विश्वनाथ जी कार से घर आते वक्त एक दुखी औरत को देखते हैं। कुछ दिन पहले यही औरत उनके ऑफिस आई थी। उनका पति एक राइटर था जो गुजर चुका है। उनके जाने के बाद इनका हालत बहुत ही बदतर हो चुका है। वो औरत बताती है, जब उनके पति जिंदा थे परिवार में कहाँ से पैसा आता था, कौन कौन बैंक में उनका सेविंग्स था, कुछ भी वो बता के नहीं गए। उनके साथ इतना समय तक मैंने घर किया है कि कभी घर से निकलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, और अब देखिए मेरा हालत क्या हो चुका है। उनका कुछ अनपब्लिश्ड कहानी है, अगर उससे कुछ होता है तो बहुत उपकार होगा। विश्वनाथ जी की पत्नी भी ऐसी ही एक हाउसवाइफ है। विश्वनाथ जी की कितना प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, इसके बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है, और वो कोई जानकारी रखना भी नहीं चाहती है। वो अपने पति की सेवा, बाल बच्चे, पोता पोतियों की देखभाल करने में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती है। पति की खुशी में ही अपनी खुशी वो ढूंढ लेती है। घर की चार दीवारी में ही उनकी पूरी दुनिया बसी थी। विश्वनाथ जी की एक बेटा और तीन बेटियां थी। तीनों बेटियां अपने अपने पतियों के साथ ही रहती थी और बेटा उनके साथ उनके बिजनेस को संभालता था। उनकी बहू एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ साड़ियों की बिजनेस भी संभालती थी। अक्सर उनके बेटा और बहू में खिटपिट लगा ही रहता था, क्योंकि उनका बेटा काम ख़त्म करने के बाद क्लब जाता था, थोड़ा मज़ा करता था, रिलैक्स होता था, फ्लर्ट करता था, बुक पब्लिश लेक्चर साहित्य लेकर खुश था, और उनकी बीबी घर पर संसार, बाल बच्चे, बिजनेस संभालते संभालते बहुत अकेली हो जाती थी। विश्वनाथ जी की बड़ी बेटी बहुत ही इनोसेंट स्वभाव की थी, अपने माता पिता को बहुत इज्जत करती थी। उनके पति एक बिजनेसमैन है। विश्वनाथ जी की मझली बेटी मॉडल ख्यालात की है। उनके बाप के खरीदे हुए घर पर वो रहती थी और कुछ रूम भाड़े पर दे देकर उनका गुजारा होता था। गैर मर्द के साथ भी उनका नाजायज संबंध था, जो उनके पति को भी ये बात पता था। विश्वनाथ जी की छोटी बेटी और उनके दामाद फिल्म डायरेक्टर है। बैक टू स्टोरी। विश्वनाथ जी ऑफिस से लौट के अपने पत्नी को अपने तीनों बेटियों को दुर्गा पूजा में बुलाने के लिए बोला, कुछ ज़रूरी बातें करना है सभी से। बीबी सोचा कि उनके पति सबके सामने विल पढ़ने वाला है, तो इसीलिए बारी बारी सबको फ़ोन करके दुर्गा पूजा में आने के लिए बोल दिया। पापा ने बुलाया है इसलिए सब कोई दुर्गा पूजा में अपने घर आया और जम के मजा किया। दुर्गा पूजा जिस दिन ख़त्म हो गया उसी दिन विश्वनाथ जी सबके सामने ये घोषणा किया, मैं तुम लोगों की माँ से कानूनी तरीके से डिवोर्स ले रहा हूँ। सब कोई ये सुनकर हैरान हो गए, उम्र की इस पड़ाव में आकर ये क्या बोल रहे हैं। डिवोर्स के बाद ये घर और उनका प्रॉपर्टी का एक बड़ा सा हिस्सा उनके वाइफ को मिलेगा और वो शांति निकेतन में जाके रहेगा। ये सुनकर उनका मझली बेटी तिलमिला उठी। बड़ी बेटी उसे संभालते हुए बोली, ये हमारे बाप है, तुम उनके साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। मझली बेटी अपने पिता को सुनाकर बोलने लगी, 50 सालों तक तुमने मेरी माँ को भोग किया है और अब जाके तुम अपना घर उनके नाम कर रहे हो। जवाब दो, क्यों ऐसा कर रहे हो? पिता ने कहा, मैं तुम्हारी कोई भी बातों का जवाब देने में मजबूर नहीं हूँ।
मझली बेटी पिता के ऊपर जोर देकर कहने लगी, हाँ आप मजबूर है। तब पिता ने उसे जवाब दिया, तुम क्या अपने पति को सब जवाब देने में अपने आप को मजबूर समझते हो? इस कहानी में यहाँ से हमें पता चलता है कि परिवार में ज़्यादातर सदस्यों का एक बुरा साइड भी है, लेकिन सब कोई बुरा साइड को छोड़कर अच्छा साइड कर लेकर रिश्ते निभा रहे हैं। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं तीनों जमाएं आपस में कंसल्ट कर रहे हैं डिवोर्स के फायदे क्या क्या हो सकता है। बोरिंग लाइफस्टाइल, अफेयर, सेक्स, बच्चों को बड़ा करने के बाद जिम्मेदारी से मुक्ति और लड़कियों के लिए आत्मनिर्भर होना, डाइवोर्स लेकर बहुत पैसा मिलना। इधर तीनों बेटियां मिलकर अपने माँ को संभालते हुए बोलती है, अब हमें लॉयर हायर कर लेना चाहिए। बड़ी बेटी अपने माता पिता को डिवोर्स की बात सुनकर बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर विश्वनाथ जी की बेटा और बहू की तरफ दिखाते हैं। उनका बहू उनके बेटे से बोल रहा है, सभी प्रॉफिट का हिस्सा दो जगह के बदले अभी तीन जगह पे बटेगा, एक तुम्हारे माँ का, एक हमारा और एक तुम्हारे बाप का, और तुम्हारे माँ का जिम्मेदारी भी हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा, तुम्हारा कोई बहन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, देख लेना। विश्वनाथ जी की बड़ा जमाई एक बार उन्हें जाकर पूछ ही लेते हैं कि ससुर जी आपका कोई लव अफेयर चल रहा है क्या। विश्वनाथ जी तभी उन्हें ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, तुम अपने ससुर के साथ ये कैसे बातचीत कर रहे हो। इधर लाइब्रेरी में उनका बेटा उन्हें कहता है, आप दोनों ही मेरे दुनिया हो, मेरे भगवान हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप गलत हो, लेकिन मेरे बाबा कभी गलत नहीं हो सकते। बाबा, हम लोग अब एक साथ नहीं रहेंगे, आप हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। और बेटा तभी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उसके बाद लक्ष्मी पूजा शुरू हो जाती है। सभी बेटियों ने मिलकर एक वकील भी हायर कर लेती है। वकील जब विश्वनाथ जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलती है, विश्वनाथ जी की पत्नी तभी उन्हें रोककर बोलती है, खबरदार मेरे पति के बारे में अगर तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा कहा तो। यहाँ पर अपने पति के लिए वो रेस्पेक्ट, वो प्यार हमें देखने को मिलता है। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को दिखाया जाता है, विश्वनाथ जी की पत्नी आके उन्हें कहती है, तुम इस बार जो तरीका आजमाए हो, पूरा परिवार देखो एक साथ है, जो कुछ कर रहे हो लगे रहो। विश्वनाथ जी उन्हें कहती है, हम लोग सच में अलग हो रहे हैं, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है? विश्वनाथ जी की पत्नी पहले तो मानने को ये तैयारी नहीं थी, बाद में पति की अच्छाई को देखने के बाद वो इस बारे में हामी भरती है। दूसरे दिन डिवोर्स के लिए कोर्ट जाने से पहले विश्वनाथ जी अपना जूता हर रोज की तरह ही ढूंढ नहीं पा रहे थे, तभी उनके पति हर दिन की तरह ही उनका जूता ढूंढ कर देती है। कोर्ट में विश्वनाथ जी को पूछा जाता है, आप अपने पत्नी से डिवोर्स क्यों चाह रहे हैं? विश्वनाथ जी जवाब देते हैं, हम लोगों का शादीशुदा जीवन कुछ अभ्यास में तकदील हो चुका है। उनका जीवन है संसार, बाल बच्चे, पोता पोती, प्रेशर का दवाई, शुगर का दवाई, टीवी सीरियल। जज पूछते हैं, आप क्या अपने पत्नी को विश्वास करते हैं? विश्वनाथ जी जवाब देते हैं, खुद से भी ज़्यादा। जज अब उनके पत्नी को पूछते हैं, आप क्या अपने पति को प्यार करते हैं? पत्नी जवाब देती है, खुद से भी ज़्यादा। आपके पति आपसे डिवोर्स मांग रहे हैं? उनके पत्नी जवाब देते हैं, मैंने अपना पूरा जीवन उनकी खुशी में ही बिता दिया है। डिवोर्स से अगर उन्हें खुशी मिलता है तो मैं इसके लिए राजी हूँ। विश्वनाथ जी जज से बोलते हैं, देखिए अभी भी मेरा पत्नी अपने कोई भी राय खुद से नहीं ले सकती है, मेरे ऊपर ही थोप रहे हैं। जज उन लोगों को समझाते हैं, आप लोग क्या एक साथ रहते हैं? विश्वनाथ जी जवाब देते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक कमरे में नहीं।
जज पूछते हैं, आप लोग कब बाहर खाना खाने गए थे, या फिर एक साथ मॉर्निंग वॉक, या फिर एक साथ सूरज को उगते हुए देखना, कभी टच करते हो? ऐसे ही जस्ट नॉर्मली टच, हाथ के ऊपर हाथ रखना, इस उम्र में ये ज़्यादातर हमें चाहिए होता है। विश्वनाथ जी ना बोलते हैं। जज बोलते हैं, आप लोग सिर्फ 15 दिनों के लिए कहीं से घूम कर आइए, सिर्फ आप दोनों, और उसके बाद भी अगर आप लोगों को डिवोर्स चाहिए तो हम लोग म्यूचुअल डिवोर्स अपील कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का 50 मैरिज एनिवर्सरी में जाके मैं आप लोगों को विश करूँगा। विश्वनाथ जी की पत्नी विश्वनाथ जी को कहती है, इतने दिनों के बाद मेरे बाल बच्चे पोता पोती आए हैं और उनको छोड़कर हम लोग सिर्फ दोनों ही चले जाएंगे घूमने के लिए। अगर जाना है तो हम लोग सभी साथ में चलेंगे, नहीं तो मैं अकेले कहीं पर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर विश्वनाथ जी की तीनों दामाद बहुत ही फ्रेंडली स्वभाव के थे, कभी भी आपस में उन लोगों की बैकग्राउंड को लेकर कोई भी समस्या नहीं हुआ। छोटे दामाद ने कहा, अगर हम लोग सास ससुर के रूम में कैमरा सेट कर देते हैं फिर सब सच्चाई बाहर आ जाएगा। बड़ा जमाई हामी भरती है और तीनों जमाई मिलकर सबसे छुपकर आगे आगे जाकर शांति निकेतन वाले घर के रूम में कैमरा सेट कर देते हैं और दूसरे दिन जाकर सब कोई पहुंचता है। मम्मी पापा से सिर्फ दो टाइम ही मिलेंगे, एक दोपहर के खाने के टाइम पर और रात के खाने के टाइम पर, बाकी हर समय मम्मी पापा एक साथ ही गुजारेंगे। कैमरा वाली बात बेटियों को पता चलने पर गुस्सा होते हैं, लेकिन बाद में जब अपने माता पिता के बारे में वो जानने लगते हैं, ये गुस्सा भी शांत हो जाता है। दूसरे दिन विश्वनाथ जी अपने पत्नी को उठाकर मॉर्निंग वॉक पर ले जाता है और वहाँ पर जाकर विश्वनाथ जी को ये पता चलता है उनके पत्नी को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। विश्वनाथ जी अपनी पत्नी को बोलते हैं, ये सब जानने में मुझे 50 साल लग गया। पत्नी कहती है, आपने कभी पूछा ही नहीं। उनके पत्नी बोलती है, मैं तो सोची थी आप मुझे कहीं पर ले जाने में शर्म महसूस करते हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो और ग्रेजुएट भी नहीं हो, तुम्हारे दुकान में कितने साहित्यिक लेखक लोग आते थे, पता है आप जब कोई बुक का एक कॉपी घर पे ले आते थे मैं चुपके चुपके वो कॉपी पढ़ लेता था और मैं इस वजह से डरता था अगर मैं आपको कुछ बोलता हूँ आप दूसरे दिन से अगर कॉपी ले आना बंद कर दे तो शिफ्ट होकर एक गेम की तरफ मुड़ जाता है, एक गेम जहाँ पर सबको कुछ ना कुछ सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किससे मीट करना चाहते हो। उनकी बहू की विश थी फुल मून नाइट में वो कोपाई नदी देखना चाहती थी। मजली जमाई बोलता है, मैं वियना में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता हूँ अपने पत्नी के साथ। यहाँ पर मजली बेटी के मन में अपने पति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है, ये इंसान मुझे इतना प्यार करता है। विश्वनाथ जी बोलते हैं, मैं शार्लोक होम के घर में जाना चाहता हूँ, रात में उगते हुए सूरज को देखना चाहता हूँ। उनकी पत्नी बोलती है, मैं बांग्लादेश फरीदपुर में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे हमारे पूर्वजों का घर है और मुझे उत्तम कुमार पसंद है। यहाँ से हमें पता चलता है ये लोग इतना बिजी थे कि आपस में दो पल बैठ के दो पल बातें कर लेते हैं, मन का हालचाल पूछ लेते हैं, ऐसा भी उन लोगों के पास वक्त नहीं था। इसीलिए उनके अपने असल में क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, इस गेम के पहले उन लोगों को कोई भनक भी नहीं थी, कोई किसी को पूछा ही नहीं इससे पहले, जैसे नए से सब कुछ शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर विश्वनाथ जी और उनके पत्नी बात करते वक्त जो अपना राय रखती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार हमें ऐसा प्रतीत होगा कि विश्वनाथ जी ही सही है, दूसरे ही क्षण हम लोगों को ऐसा लगने लगेगा उनके पत्नी जो कुछ कर रही है वो जायज़ है और इसी तरह जीवन की उतार चढ़ाव को भी हम लोग महसूस करेंगे। ये सब कुछ तो हमारे साथ ही होता है हमारे आम जिंदगी में। विश्वनाथ जी कहने लगे,
हम दोनों में क्या कभी प्यार था या फिर कुछ आदतें अभ्यासी था। शादी के बाद पिताजी का सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल बच्चे, उन लोगों को बड़ा करना, फिर पोता पोती। मैंने तुम्हें कितना पाया। हमारी छोटी लड़की होने के बाद तो तुम मेरे साथ सोते तक नहीं थे। कितना दिन मैंने तुम्हें अपना करीब नहीं पाया। मुझे भी तो जी करता है तुम्हें छूकर महसूस करो, तुम्हारा स्पर्श अनुभव करो। उनकी पत्नी कहती है, तुम नहाने के बाद गीला टावल छोड़ देते हो, उस गीले टावल से ही मैं नहाता हूँ, तुम्हारी महक आता है उस टावल से, ये मेरा आदत है। खाने के बाद तुम जो झूठा छोड़ जाते हो वो झूठा मैं फेंकता नहीं हूँ, वो झूठा मैं खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा आदत है। अभी तुम जब बाथरूम जाते हो, बाथरूम से लौटने के बाद बहुत बदबू होता है, तुम्हारी बहू को ये बात एकदम ठीक नहीं लगती है। मैं बाथरूम में जाके अच्छे से पानी देकर साफ कर देता हूँ, तुम्हारा बाथरूम का जो बदबू है वो भी मुझे अच्छा लगती है, वो मेरा आदत है। और ये आदत ही मेरे लिए तुम्हारा प्यार शिफ्ट होता है। मछली बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन में बातें कर रही थी, उसकी पति तब भी जगा हुआ था। पति बोलती है, मुझे पता है तुम उसके पास जाते हो, वो मुझसे बहुत गुना अच्छा है, तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि तुम अपने मर्जी से जाते थे, भले ही वो तुम्हें कितना भी प्यार कर ले, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे किस्मत में हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब उसे समझ में आती है, एक इंसान उसकी सब खामियों को देखने के बाद भी उसे इतना प्यार करता है, और एक वो इंसान अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आता है। छोटी लड़की अपने पति से बोलती है, पता है हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हम दोनों में ठीक ठाक बात भी नहीं होता है। पिताजी ने ठीक ही कहा था, वो पर्स ज़रूरी है। अभी जब हम लोगों को प्यार करना होता है तब हम दोनों एक जगह पे आते हैं, प्यार करना ख़त्म हो जाता है, तुम उस तरफ मुंह फेर के सो जाते हो और मैं फिर से अकेली हो जाती हूँ। वो लोग अभी अपने जीवन के कुछ अनइम्पॉर्टेंट पल, अनसुनी बातें, पूरी ना हुई ख्वाहिशें लेकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, एक बार मैं घर पे पापदा मछली ले आया था, लेकिन तुमने सब अपने भाइयों को ही खिला दिया। उनकी बीबी बोलती है, घर पे और कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने खिला दिया था। वो बोलते हैं, मेरे अंदर तुम्हारे लिए इतना अभियोग है, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे लिए कुछ भी अभियोग नहीं है। उनकी पत्नी बोलती है, एक बार बुक शेल गिल में मीटिंग के लिए तुम्हें दिल्ली जाना पड़ा, उसी रात को ही तुम्हारी छोटी बेटी को स्मॉल पॉक्स दिखाई दिया, पूरा शरीर बुखार से तप रहा था, शरीर लाल हो चुका था। तीनों बच्चे तभी बहुत ही छोटे थे, तब मैं कहाँ जाता, कैसे डॉक्टर को बुलाता, हर रात मैं यही सोचता रहता था, अभी तुम कॉल करोगे, लेकिन तुमने कॉल नहीं किया। मुझे पता चल गया था इस संसार का लड़ाई मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, मुझे पता था तुम मेरे साथ मेरे पास कभी नहीं रहोगे। एक बार तुमने मेरे बर्थडे पर आकर एक गिफ्ट मेरे हाथ पर दे दिया और बोला कि देखो तो कैसा है। तुमने कहा, एक लेखक की 60वीं एनिवर्सरी है, उसी का ही ये गिफ्ट है, तुम्हें तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं था। फिर मैं और कुछ नहीं बोल पाया, गुस्सा अभिमान अभियोग करने से संसार थोड़ी ना होता है। विश्वनाथ जी अपने पत्नी के पास आकर बोलते हैं, तुम अपने भगवान से क्या मांगते हो, तुम्हारे पहले मैं चला जाऊँ, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट करके यहाँ से जाना चाहता हूँ, कितना बार तुम्हें कहा है मेरे साथ आकर लाइब्रेरी में काम करो, बाहर की दुनिया देखा है कभी, कभी बैंक गए हो, कभी पैसा उठाए हो, कभी लॉकर इस्तेमाल किया है, कितना एफडी है तुम्हारे नाम पर कभी देखा है, तुम्हारे इंश्योरेंस में कितना पैसा जमा करना पड़ता है, कुछ पता है तुम्हें? उनकी पत्नी जवाब देती है, तुम बाहर संभालोगे और मैं अंदर संभालूंगा, यही बात हुआ था। तुम्हें पता है इस घर में हल्दी कहाँ पे रखा हुआ है, नमक कहाँ पे है, कितने प्रकार का चाय पत्ती यहाँ पे आता है? विश्वनाथ जी बोलते हैं, मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी पत्नी भी बोलती है, मुझे भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे नाम पे कितना एफडी है, कितना बैंक बैलेंस है।
विश्वनाथ जी बोलते हैं, अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम्हारा हालत तो बहुत ही बदतर हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट करके जाना चाहता हूँ। उनके पत्नी बोलते हैं, मेरे बच्चे मुझे देखेंगे। विश्वनाथ जी बोलते हैं, सोचो कि तुम्हारा कोई नहीं है और तुम उन लोगों के ऊपर बोझ क्यों बनोगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड पीटर की तरह इजिप्ट जाऊंगा, नॉर्वे जाऊंगा, दुनिया को एक्सप्लोर करूंगा। तुम क्या अपना परिवार छोड़ के मेरे साथ जाओगे? उनकी पत्नी उन्हें प्रॉमिस करती है, वो जैसे बनाना चाहती है वो वैसे ही बन के दिखाएगी, वो इंडिपेंडेंट बनेगी। विश्वनाथ जी बोलते हैं, तुम संसार को प्यार करते हो, मुझे नहीं। उनको जवाब मिलता है, मेरे लिए आप और संसार दोनों ही एक। विश्वनाथ जी अपने पत्नी से कन्फेस करता है, मैं एक लड़की के प्यार में पड़ चुका हूँ। उनकी बीबी पूछती है, कौन है वो? मेरे बाप ने पहली बार एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मुझे दिखाया था और वो फ़ोटो देखकर ही मैं उसके पैर में पड़ गया था। उसके बाद शादी में, मेरी शादी में पहली बार मैंने उसे देखा था, वो और कोई नहीं, वो तुम हो। विश्वनाथ जी की बेटा अपने पत्नी को फुल मून नाइट में कोपाई नदी दिखाने ले गई थी, जो उनकी इच्छा थी। इससे हमें पता चलता है कि विश्वनाथ जी की रिश्ता जैसे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है, वैसे ही सभी के रिश्ते में रहने वाले दरार भी भरना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में विश्वनाथ जी शांतिपुर में रह जाते हैं और उनका पूरा परिवार कोलकाता आ जाता है। विश्वनाथ जी यहाँ पर अकेले रहते वक्त उन्हें तन्हाई काटने को दौड़ती थी। इतने दिनों से उनका पत्नी उनका सभी सामान को सामने रेडी करके रखती थी, लेकिन अभी उनका पत्नी नहीं है और कोई भी सामान उनसे मिल नहीं रहा है। 4 महीने बाद विश्वनाथ जी अपने पत्नी से मिलने कोलकाता जाता है और वहाँ पे जाके उनके पत्नी को पूछता है, तुम खुश हो ना? उनके पत्नी अभिमान भरी आवाज़ में बोलती है, मैं खुश नहीं हूँ, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तुम मुझे कोर्ट घसीटोगे और मुझे जाना पड़ेगा खुश होकर। मेरा 49 सालों का संसार एक झूठा है, ये भी मुझे सुनना पड़ेगा खुश होकर। अचानक से तुम मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो और मैं बनूंगा खुश होकर। उसके बाद उनकी पत्नी उन्हें कहाँ कितना प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, उसका डिटेल्स उन्हें समझाती है। अभी गैस बुकिंग भी वो खुद से ही कर लेती है, बस्ती में जाके सिलाई सिखाती है। क्या अब वो इंडिपेंडेंट बन चुकी है? विश्वनाथ जी बोलने लगे, तुम तो इंडिपेंडेंट बन चुके हो लेकिन मैं बन नहीं पाया। उम्र की इस पड़ाव में आकर अकेले रहना इतना तकलीफदायक है, ये मैंने महसूस किया। और वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते वक्त बोले, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? उनकी पत्नी बोले, आप विदेश घूमना चाहते थे नहीं गए? उसने जवाब दिया, अगर मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ। अगर मैं रात में उगते हुए सूरज को देखना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही देखना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बांग्लादेश फरीदपुर जाना चाहता हूँ जहाँ पे तुम्हारा पूर्वज का गांव है। और तभी संध्या आरती शुरू हो जाती है। विश्वनाथ जी अपनी पत्नी से पूछा, तुमने भगवान से क्या मांगा? उनकी पत्नी बोलती है, मैंने भगवान से मांगा, काश भगवान मेरे आगे तुम्हें उठा ले, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो मैं जी सकता हूँ लेकिन तुम मेरे बगैर नहीं जी पाओगे। इसके बाद उन लोगों का डिवोर्स कैंसिल होता है। जज उनके 50वीं एनिवर्सरी में उन लोगों को बधाई देने आते हैं। आखिर में सभी रिश्ते एक बार फिर से खुशहाल हो जाते हैं और इसी तरह इस कहानी का दी एंड हो जाता है।